अगर त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है जहां तक मैं इस क्षेत्र को समझ पाया हूं अब तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, क्या ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र जो है सीधे तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले की तरह संकेत दे रहा है? और यहाँ पर क्योंकि हेमवती नंदन बहुड़ा हो या फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हो, खुद अपने आप को जो है एक विधायक नहीं मंत्री आप चुन रहे हैं, आपके कर्णप्रयाग क्षेत्र की बात नहीं कर रहा मैं बद्रीनाथ क्षेत्र की बात कर रहा हूं, वहां पर इस तरह के नारे लग रहे हैं कि आप विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र करूं, कई बार चौंकाने वाले यहां पर नतीजे भी देखने को मिले, निर्दलीय जीत कराया यहां से चुनाव, निर्दलीय भी जीत कराए हैं। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ चमत्कार या फिर इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए कर्णप्रयाग विधानसभा की मैं आपको बात बताऊं तिलक की, जब आपने क्योंकि एंटी वोट जो पड़ेगा चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस को, क्योंकि अपना जिस तरह से अस्तित्व जो है टीका प्रसाद मैखुरी ढूंढ रहे हों या आपके जो है सुरेश बिष्ट ढूंढ रहे हों या सतीश लखेड़ा ढूंढ रहे हों, तो इनके बीच आपसी जो समन्वय हम कह सकते हैं तालमेल जो है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है कि एंटी जो बीजेपी का वोट है वो डाइवर्ट जो है टीका प्रसाद मैखुरी को मिल सकता है, कांग्रेस का है वो टीका प्रसाद मैखुरी को मिल सकता है क्योंकि ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है, तो हो सकता है कि टीका प्रसाद मैखुरी बाजी मारे। लेकिन इस सीट पर जो है लगातार जो है हमें जो है या कभी ब्राह्मण कभी ठाकुर जीतने का यहाँ पे रिजल्ट आया कि हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जो है हमें इस सीट पे देखने को इस समय इसलिए मिल रहा है कि यदि कांग्रेस का यदि कोई स्टार प्रचारक जो है कर्णप्रयाग विधानसभा में आता तो कर्णप्रयाग से जो मुकेश नेगी समझ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कन्वेंसी ठीक है, गैदरिंग भी ठीक है और एक मिलनसार हम इसको कह सकते हैं कि मुकेश नेगी का जो यहाँ पे वर्चस्व देखा जा रहा है, लेकिन मुकेश नेगी का हो सकता है कि मुकेश नेगी का एंटी वोटर जो है वो बीजेपी को डाल दे या बीजेपी का एंटी वोटर जो है मुकेश नेगी को डालते, तो इसीलिए सीट को जो है त्रिकोणीय मुकाबला हमने लिया है।